नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। गांव बामला में हुआ आईएएस बेटी का सम्मान, आईएएस बन गांव पहुंची नीतू सोनी को ग्रामीणों ने बिठाया पलकों पर। आर्यवीर दल के तत्वावधान में हुआ जिला स्तरीय व्यायाम प्रशिक्षण एवं चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान, कुछ विभागों में बताया भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर। दादरी गेट चौक पर रोजाना लग जाता है घंटों तक जाम, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए भी नहीं है पर्याप्त कर्मचारी। अब खबरें विस्तार से। रविवार को गांव बामला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आईएएस में 409वां रैंक पाने वाली बेटी नीतू सोनी के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में गांव बामला सहित आसपास के ग्रामीणों ने भी शिरकत की। वहीं वर्तमान अधिकारियों के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारी भी सम्मान समारोह में पहुंचे। गांव बामला के जिस स्कूल में नीतू सोनी ने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की थी, आज उसी विद्यालय में उसके सम्मान के लिए हजारों ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई थी। दरअसल नीतू सोनी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस में 409वां रैंक हासिल किया है। गांव की बेटी के आईएएस बनने पर ग्रामीणों ने लड़की को पलकों पर बैठाया। बेटी के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में गाँव बामला के अलावा आसपास के ग्रामीणों ने भी शिरकत कर बेटी को आशीर्वाद दिया। सम्मान समारोह में जिला प्रशासन के कई अधिकारियों के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भी शिरकत की। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि साधारण परिवार की बेटी नीतू ने आईएएस बनकर गांव व जिले का नाम रोशन किया है। वहीं बेटियों को पढ़ाने और अफसर बनाने का भी आह्वान किया गया। वहीं नीतू सोनी ने अपने सम्मान समारोह में गदगद होकर कहा कि ग्रामीणों ने जो मान सम्मान उन्हें दिया है वो हमेशा उसकी लाज रखेंगी और जहाँ पर भी रहेंगी वो अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली दिक्कतों को दूर कर जनसाधारण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। गाँव के पूर्व सरपंच सुधीर बामला ने बताया कि नीतू ने गांव के ही सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद बेटी ने आईएएस बनकर गांव के हर व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज उसके सम्मान के लिए हर कोई तत्पर नजर आया। बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी व्यक्तिगत सफलता पे पूरा गांव झूम रहा है। मेरे लिए सम्मान के लिए इतना बड़ा समारोह किया, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी वादा करना चाहूंगी कि मैं जहाँ भी अपॉइंट होती हूँ तो मैं अपने नेक इरादे रखूंगी और अच्छा काम करूंगी ताकि मेरे गांव का नाम और रोशन हो। मैं तो अभी जो चेंज अगर समाज में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर माँ बाप चाह रहे हैं कि उनकी बच्चियाँ भी पढ़े, हालांकि कुछ अभी भी थोड़ा पिछड़ापन है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल सेट होते जाएंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। लड़की तो नीतू है, इसके पिताजी रमेश जी हैं, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं। लड़की ने यहीं से गर्ल्स स्कूल से 10वीं की है और यहीं से प्लस टू की है। बहुत लायक लड़की है और इसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, इसलिए पूरा गांव नाजिल का दिल खोल के स्वागत किया है और हमारा गांव आगे भी इस लड़की के लिए पलक बिछाए तैयार मिलेगा। रविवार को आर्य कन्या विद्यालय में आर्यवीर दल भिवानी के तत्वावधान में जिला स्तरीय व्यायाम प्रशिक्षण शिविर एवं चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले आर्यवीरों को सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता स्वामी दयानंद गिरी महाराज ने की। स्थानीय शिक्षा मार्ग स्थित आर्य कन्या विद्यालय में आर्यवीर दल भिवानी के तत्वावधान में जिला स्तरीय व्यायाम प्रशिक्षण एवं चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन स्वामी दयानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अमृतलाल आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं समारोह में आर्यवीर दल के प्रांतीय संचालन उमेद सिंह शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मदन मानव ने भी समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह को संबोधित करते हुए युवा शक्ति में चरित्र निर्माण को लेकर आर्य दल इस तरह के शिविरों का आयोजन समय समय पर करता रहता है। उनका कहना था कि गत 18 से 25 जून तक आवासीय शिविर के दौरान 90 से अधिक आर्यवीरों ने इसमें भाग लिया और चरित्र निर्माण एवं स्वस्थ रहने के गुर सिखाए। इस दौरान जिन आर्यवीरों ने बेहतर प्रदर्शन किया उन्हें आर्यवीर दल की ओर से सम्मानित भी किया गया। शिविर के समापन पर आर्यवीर दल के सदस्यों के अलावा अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आर्यवीर दल हमेशा युवा शक्ति का चरित्र निर्माण करने के लिए इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करता है। ये हमने शिविर 18 जून से लेकर 25 जून तक आवासीय शिविर जिसमें 90 आर्यवीरों ने भाग लिया, इनमें हमने शारीरिक प्रशिक्षण के साथ इनका चरित्र निर्माण के प्रति और राष्ट्र भक्ति के लिए हमने ये शिविर का आयोजन किया।
और जो इस शिविर में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों विजेता आर्यवीरों को पुरस्कृत किया है। हरियाणा के सेल टैक्स मार्केट कमेटी फूड एंड सप्लाई एवं सैंपलिंग विभागों में है खुला भ्रष्टाचार, यह कहना है हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग का। वहीं उन्होंने जीएसटी को व्यापारी एवं आम जन विरोधी बताते हुए इसके विरोध में पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन बंद करने का ऐलान भी किया। जीएसटी को लेकर व्यापारियों का गुस्सा व आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रदेश भर के व्यापारियों ने हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के बैनर तले अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी दी है व सड़कों पर उतरने का भी अल्टीमेटम केंद्र व प्रदेश सरकार को दे दिया है। भिवानी में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में पूर्व पत्रकारों से बात करते हुए व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि सरकार जो जीएसटी टैक्स प्रणाली लागू करने जा रही है उसमें अनेक खामियां हैं। जो समय पर टैक्स नहीं भर पाएंगे उन्हें सजा दिए जाने का प्रावधान कर सरकार ने व्यापारी विरोधी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी केंद्र व प्रदेश सरकारों का खजाना टैक्सों के जरिए भरने का काम करते हैं, व्यापारी सम्मानित जन हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स दरें कम करने के बजाय बढ़ाकर व्यापारियों पर बोझ डालने का काम किया है। उन्होंने साथ ही प्रदेश में लगाए गए मंडी टैक्स को भी अतार्किक बताते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार एक देश एक टैक्स की बात करती है तो दूसरी तरफ अनेक टैक्स थोपे जा रहे हैं। केंद्र सरकार जो भारत देश के अंदर जीएसटी टैक्स प्रणाली कानून लागू करने जा रही है उसके अंदर अनेकों प्रकार की कमियां हैं। जहां तक कि टैक्स की दरें जो विश्व के अंदर अनेकों देश है उनसे कहीं ज्यादा है, जो बड़े बड़े चीन अमेरिका जापान जैसे देश है उनकी आप तुलना करोगे उनके मुकाबले काफी टैक्स भारत में ज्यादा है। कपड़ा साड़ी चीनी धूप अगरबत्ती आम ऐसी वस्तुएं हैं जो गरीब आदमी के काम आती है उनको भी जीएसटी के दायरे में ले लिया और आम उपयोग में आने वाली आइटमों पर 28 से लेकर 18% तक टैक्स लगाया गया। उससे ऊपर भी 40% टैक्स भी है, उससे ज्यादा टैक्स भी है। और एक ऐसा कानून बनाया गया व्यापारी जो समय पर टैक्स ना भरे, जो लेखा जोखा में अगर कोई कमी रह जाए तो व्यापारियों सजा का प्रावधान बनाया है। शहर के सर्कुलर रोड दादरी गेट चौक पर रोजाना सांझ ढलते ही सड़क पर वाहनों का लंबा जाम लग जाता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के बूते पर यहां का ट्रैफिक संभाले नहीं संभलता और वाहनों को घंटों तक जाम में फंसने पर मजबूर होना पड़ता है। पेश है इस पर एक विशेष रिपोर्ट। शहर के दादरी गेट सर्कुलर रोड स्थित चौराहे पर शाम को वाहनों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि यहां तैनात एक पुलिस कर्मचारी के बूते पर यहां की ट्रैफिक व्यवस्था संभाले नहीं संभल पाती। हालात यह बनते हैं कि घंटों तक यहां वाहनों का जाम लग जाता है और लोगों को भी बेवजह परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि शाम को यहां ट्रैफिक कर्मचारियों की कोई व्यवस्था नहीं होती, जबकि सर्कुलर रोड पर शाम को ही भारी वाहन ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि छोटे वाहनों की संख्या में भी शाम को इजाफा हो जाता है। ऐसे में संकरे चौक पर वाहन एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक देते हैं और देखते ही देखते वाहनों का लंबा जाम लग जाता है। गांव सावड़ निवासी सुनील कोसी का कहना है कि शाम को यहां अधिकांश तौर पर ट्रैफिक कर्मचारी नदारद रहते हैं, जबकि एक दो कर्मचारी यहां मौजूद रहता है तो वो जाम सुलझाने की बजाय दुकान पर बैठकर टाइम पास करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ जाती है और वाहनों से हादसा होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। भैया मैं गांव सावड़ जाता हूं और मैं डेली आता जाता हूं यहां पर, लेकिन अक्सर देखता हूं यहां हमेशा जाम लगा रहता है 24 घंटे, कभी रात को कोई पुलिस वाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं यहां पर, और अक्सर मतलब 2-2 घंटे यहां पर जाम के रहने के कारण साधन नहीं मिलता, बड़ी व्यवस्था है। जाम लगा रहता है रात को, इतना जाम लगा रहता है, यहां पर कोई पुलिस नहीं है और यहाँ पर क्या नाम है इतने खगड़े रहते हैं, क्या नाम कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, जंगली पुलिस वाले आते हैं अपनी वो बैठ जाते दुकान पर और कोई सुविधा नहीं करते। चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर।
गांव बामला में हुआ आईएएस बेटी का सम्मान। आईएएस बन गांव पहुंची नीतू सोनी को ग्रामीणों ने बिठाया पलकों पर। आर्यवीर दल के तत्वावधान में हुआ जिला स्तरीय व्यायाम प्रशिक्षण एवं चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान, कुछ विभागों में बताया भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर। दादरी गेट चौक पर रोजाना लग जाता है घंटों तक जाम, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए भी नहीं है पर्याप्त कर्मचारी। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।